में जाने वाली हूँ वहाँ अंदर डूबने चुल्लू पर। तो यहाँ सबसे पहले हमने कुछ खाने का ले लिया क्योंकि अंदर कुछ नहीं मिलता। तो जैसा कि सब जानते हैं फतेह सागर उदयपुर की जान है, पर अगर आपको नेहरू गार्डन जाना है तो सबसे पहले आपको बोट के लिए टिकट लेना पड़ेगा। जहाँ एडल्ट्स के लिए 118 रुपीज़ है, वहीं बच्चों के लिए जो कि 3 से 8 साल के हैं उनके लिए 59 रुपीज़ है। तो ये सभी लोग वहाँ से जाकर आए थे और ये सारे टूरिस्ट ही लग रहे हैं, बाहर के ही लग रहे हैं। तो बस हमारी बोट भी रेडी है और हमें नेहरू गार्डन पहुँचने के लिए कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो चल पड़िए हमारी बोट। तो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इस गार्डन का नाम रखा गया है, नेहरू पार्क, जो कि 14 नवंबर 1967 को उनकी जयंती के उपलक्ष में रखा गया था। तो गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं और मेरे पीछे पूरा देख सकते हैं। तो आंध्रा की बस ऐसे ही गार्डन है। तो अभी हम सबसे पहले कुछ खाएंगे पियेंगे। अब आप सोच रहे होंगे आते से क्या खाना पीना, तो वो इसलिए क्योंकि हमने कोल्ड कॉफ़ी ली है तो वो पूरी ख़राब हो जाएगी। ये लोकेशन भी बहुत प्यारी है। तो यहाँ पर ना ऐसे ही आके कुछ ऐसा फील तो नहीं हुआ कि यार हमने गलती कर दी यहाँ पर आके। तो बहुत ही सॉलिड जगह। तो ऐसे गार्डन से ना बाहर में मिल जाएंगे, पर ये क्या पानी के बीचों बीच है ना, तो इसका मेन अट्रैक्शन यही है। तो चलो अभी हम आगे चलते हैं और हम जाने वाले हैं वहाँ, और वो कुछ कैंटीन है तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे और देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। पर वो लोकेशन बहुत अच्छी है फोटोज़ और वीडियोज़ बनाने के लिए, तो चलो चलते हैं। तो गाइज अभी मैं वो उस जगह पे आ गई हूँ जहाँ पे मुझे वहाँ जाना था, बट अभी ये रास्ता है जो बंद कर रखा है तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं जा सकते। और हमेशा मेरे साथ में ऐसा ही होता है कि मुझे जो जगह पसंद आती है कि हाँ यार मैं यहाँ जा सकती हूँ वो बंद ही रहती है यार। तो कोई बात नहीं, वैसे मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ बट मुझे आपको भी बताना था, बट इट्स ओके। अभी चलते हैं यहाँ से। और बाय द वे यहाँ से भी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे जाके और थोड़ा सा घूम के फिर 6 बजे लास्ट होता है ये गार्डन बंद हो जाता है। तो हमें 6 बजे से पहले निकलना पड़ेगा, बोट आएगी और हम फिर वहाँ से चले जाएंगे। तो बस यही है गार्डन में। और ये है मेरी हाय फ्रेंड। और हम फिर से ऐसी जगह पे आ गए, ये यार ये बहुत खूबसूरत जगह, ये मस्त है। यहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी है, सीरियसली यहाँ से फोटो। तो कोई बात नहीं, अगर हम वहाँ पे नहीं जा पाए बट ये लोकेशन बहुत अच्छी मिल गई हमें, तो हम यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो अब हम यहाँ पर आए हैं। तो उदयपुर को खूबसूरती के मामले में सबसे ऐसे बोलते हैं ना कि विश्व की 3रे नंबर पे सिटीज पर रख दिया जाता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसे टूरिस्ट आते हैं ना जो कि ये चीज़ें समझते नहीं है, और हो सकता है कि लोकल भी ऐसे हो। तो वो क्या करते हैं, देखो आप देख ही सकते हो एज ए रिजल्ट, ये देखो यहाँ पे कितना गंदा कर रखा है। तो ये प्लीज़ को खूबसूरत सिटी बनाए रखना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसा गंदगी ना फैलाएं। तो ये दोनों मेरी फ्रेंड जा रही है, जिसमें से ये वाली है ना मुझे कभी वीडियो बनाने नहीं देती है, बट मैं फिर भी बना रही हूँ। तो गाइस अब बस हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पे, हम वहाँ जा रहे हैं और हमारी बोट आने वाली है। तो वहाँ पर बोट आएगी और हम उसी बोट में निकल जाएंगे क्योंकि शाम को 6 बजे लास्ट है यहाँ पे, 6 बजे के बाद नहीं रुक सकते हैं तो अभी जाना पड़ेगा। और उधर हो चुका है सनसेट जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, उसी बोट में हम जाने वाले हैं।
और यहाँ से जाएंगे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और ये दिन बस यहीं पे एंड होता है। और मुझे यहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत सालों बाद यहाँ पर गई थी और है ना बारिशों में यहाँ पर बिल्कुल जो नेहरू गार्डन है वो पूरा का पूरा पानी से लबालब हो जाता है, तो वहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है बारिशों में अंदर जाना, क्योंकि सारा बारिश का पानी अंदर चला जाता है। तो आप कभी भी आए तो बारिश में ना आए। ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ वंडर चित्रा। थैंक यू।